होगी। बहुत जबरदस्त होस्टिंग किया आपने, और वसीम जी के प्लान का क्या कहना है, मुस्कुराते हुए हसीन, मतलब उनका अंदाज जो है, और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह उन्होंने कोरोना के बाद कमान संभाल करके पूरे हिंदुस्तान का झंडा संभाला और हर डिस्ट्रीब्यूटर हर व्यक्ति के बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया, आज हर कोई उनसे अभिभूत है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था उनका। बस हम इतना ही मैसेज देंगे आपको आज कि ऑलरेडी मैं अपना बिजनेस कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, इस बिजनेस की बस इतनी समझ है। वसीम भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, पर्सनल ई कॉमर्स, दैट्स वेरी ग्रेट वर्ड जो उन्होंने बताया, जो मैंने आज समझा कि एग्जैक्टली राइट, जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का पैसा है, जिसके लिए मार्केट में जाना पड़ता था, दुकानें खोलनी पड़ती थी, शोरूम बनाना पड़ता था, अब हम ई कॉमर्स से पैसा कमा सकते हैं, और ई कॉमर्स का सेटअप हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में ऑलरेडी सेटअप बना हुआ है, हम अपना पर्सनल ई कॉमर्स बना सकते हैं। दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि इस बिजनेस का मॉडल क्या है, क्या कैसे समझें, तो संक्षेप में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का पैसा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स कंपनियां कमाती हैं पूरा का पूरा पैसा। वहां ट्रांजेक्शन होता है, और आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है अमेजॉन, कुछ भी बनाती नहीं है और सारा का सारा बीच का पैसा ले लेती है। वहां ट्रांजेक्शन है लेकिन सोशल नेटवर्क नहीं है। फेसबुक जो है वो 5वीं 6वीं कंपनी है, वहां क्या चीज है, वहां कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता, केवल सोशल नेटवर्क है, और वो दुनिया की 5वीं 6वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यानी अमेजॉन में सोशल नेटवर्क नहीं है, ट्रांजेक्शन है, फेसबुक में ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नहीं है, सोशल नेटवर्क है। एमवे बिजनेस में दोनों का मिक्सचर है, ट्रांजेक्शन भी है और सोशल नेटवर्क भी है, और आम आदमी जो अपना खर्चा मार्केट में डाल रहा है उसको पर्सनल ई कॉमर्स से सोशल नेटवर्क बना करके लाइफ को एंजॉय करते हुए, लाइफ को ग्रो करते हुए एक सेकंड इनकम जनरेट कर सकता है, और बहुत जल्दी वसीम जी की तरह, उनकी फैमिली की तरह फ्री हो सकते हैं। बैक टू संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स, और रियली इट्स ऑसम कि हर बार हम सब लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और लाइफ कुछ अपग्रेड हो जाती है। तो बस इतना ही कहेंगे कि फ्रेंड्स, हम लोग चाहे बहुत पैसा कमा रहे हों, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हों, सक्सेस हो रहे हों, बट जिंदगी में सिर्फ यही मायने नहीं रखता है कि हम लोग कहाँ पहुँचे, बट हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको करते हुए हम लोग क्या बने हैं, हमारे अंदर कितनी ग्रोथ हुई है बाहर की ग्रोथ के साथ साथ, ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वी आर लकी कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, ये हम लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से ग्रो करती है, और एवरी डे हमें ये मौका मिलता है कि हम अपग्रेड हुए, खुश हुए, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करें और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। सो थैंक यू वसीम जी, आज आपने बहुत सारी वैल्यू ऐड की इतने सारे लोगों की जिंदगी में, और बस आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा, आपका और शकीला जी का, हम सब लोग देखते रहें, मिलते रहें। सो थैंक्स अ लॉट।